फोटोग्राफ्स एनालिसिस। एरियल फोटोग्राफ्स क्या होती है, कैसे होती है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। साथ में हम इनकी एनालिसिस कैसे करते हैं, इनकी स्टडी कैसे करते हैं, हम ये भी देखेंगे। और इनके एनालिसिस और स्टडी कैसे हम स्टीरियोस्कोप की हेल्प से करते हैं। स्टीरियोस्कोप हमारे पास कई टाइप के होते हैं, दो तीन टाइप के स्टीरियोस्कोप्स होते हैं जिनको हम हर प्रैक्टिकल में एक एक करके देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि इनकी खासियत क्या होती है और कैसे इनका क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, हमें स्टीरियोस्कोप ही चाहिए और एरियल फोटोग्राफ्स चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारी एरियल फोटोग्राफ्स कैसी है और स्टीरियोस्कोप क्या है। ये हमारी एरियल फोटोग्राफ्स है। ठीक है, ये एरियल फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो इस टाइप की होती है, कई हमने पेयर ले रखे हैं। अच्छा, ये जो फोटोग्राफ्स होती हैं एक हम निकाल के इसकी स्टडी करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, बाकी सब हम साइड कर देते हैं। एक देख लेते हैं एरियल फोटोग्राफ्स क्या होती हैं, कैसे इन पे वर्क किया जाता है। सबसे पहले तो ये जो एरियल फोटोग्राफ्स हमें मिलती हैं ये हमें दो पेयर में मिलती हैं। कोई भी ग्रुप आपके पास होगा, आप किसी में भी देख लो, जैसे ये है पेयर में, ये मैं दूसरा एक देखती हूँ, ये भी आपके देखिए पेयर में है। हर उसमें आपको जो एरियल फोटोग्राफ्स हैं ये पेयर में ही मिलेंगे। ठीक है, अब एरियल फोटोग्राफ्स की, अगर हमें सिर्फ एरियल फोटोग्राफ्स की स्टडी करनी है, इसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, तो सबसे पहले हम किसी भी एरियल फोटोग्राफ्स की स्टडी करने से पहले हम उसमें देख लेते हैं, उसमें एक नंबर पड़ा होता है, ये एक नंबर पड़ा होता है, जैसे यहाँ पे 2000 लास्ट में इसमें 200 है, ये 201 है। इसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि पहले ये फ़ोटो लिया गया है, उसके बाद ये फ़ोटो लिया गया है। ठीक है, फ़ोटो का जो सीरियल नंबर है वो हमें यहाँ से इस नंबर से पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे और भी छोटी छोटी डिटेल दी गई हैं जो बहुत ही छोटी हैं। इसका स्केल आपको दिया गया है, लोकेशन दिया गया है, एरिया जो है आपका, ठीक है, और ये यहाँ पे डेट दी गई हुई है कि कब ये फ़ोटो ली गई थी, किस डेट पे ली गई थी। उसके बाद यहाँ पे एरिया और भी डिटेल थोड़ी थोड़ी दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से सभी फ़ोटोग्राफ्स में छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। उसके बाद ये फ़ोटोग्राफ्स आपके जो नॉर्मल नहीं ली जा सकती, इन फोटोग्राफ्स को लेने के लिए हमें एयरक्राफ्ट की हेल्प लेनी होती है। मतलब ये फ़ोटोग्राफ्स हमारी एयरक्राफ्ट की हेल्प से ऊपर से ली जाती हैं, इन्हें हम नॉर्मली ऐसे नहीं ले सकते। इन फोटोग्राफ्स की खासियत ये होती है कि इन फोटोग्राफ्स को, जो हमने अभी बात की थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टीरियोस्कोप्स होते हैं। अब इन फोटोग्राफ्स की बता रही थी जो खासियत होती है वो ये होती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टीरियोस्कोप हम यूज़ करते हैं, तो उनमें से इन स्टीरियोस्कोप की हेल्प से हम इसको 2D के साथ साथ 3D में भी विजुअलाइज कर सकते हैं। हम इसको 3D के उसमें भी देखते हैं कि ये कुछ हाइट तक, इसमें जो इमेज आई हुई है ये कुछ हाइट तक स्टीरियोस्कोप की हेल्प से जब हम देखते हैं तो कुछ हाइट तक हमें 3D में दिखाई देता है ना। अब हम इसकी स्टडी कैसे करते हैं, तो आज हम जो हमारे पास स्टीरियोस्कोप है वो है पॉकेट स्टीरियोस्कोप। ये एक छोटा सा स्टीरियोस्कोप होता है, इसकी हेल्प से इसमें लेंसेज लगे होते हैं, स्टैंड लगा होता है, ये छोटा सा होता है, इसलिए हम इसे पॉकेट स्टीरियोस्कोप बोलते हैं। इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं अपने साथ, कहीं भी ले जाके स्टडी कर सकते हैं। इसकी हेल्प से जब हम फोटोग्राफ्स की स्टडी करते हैं तो वो सिर्फ हमें 2D में ही इमेजेस दिखाता है, लेकिन हाँ, चीज़ों को, जो भी इसमें चीज़ें हैं उनको जूम करके दिखाता है, जिसकी वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ पे सिटी होगा या एलिवेल एरिया होगा या फिर कैसा एरिया है, ये हम बता सकते हैं। वहाँ पे कोई नदी जा रही है, समुद्र है या जो भी है, तो उसको हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टडी कैसे करते हैं। तो ये हमारा जो स्टीरियोस्कोप है बहुत ही छोटा है, तो इसकी हेल्प से हम, वैसे तो जब हम फोटोग्राफ्स की स्टडी करते हैं हमें पेयर में दिया होता है तो हम इन्हें ओवरलैप कराते हैं। ओवरलैप से आप देख सकते हैं, जैसे ये हम इमेज हमारी पहले ली गई, उसके बाद ये इमेज ली गई, तो इसको ओवरलैप कराना होता है हमें। ओवरलैप में इसमें कोई ना कोई पोर्शन जो ऐसा है जो कॉमन मिलेगा हमें, कॉमन का मतलब कि सेम पोर्शन होगा, इस फोटोग्राफ में भी आया होगा, इस फोटोग्राफ में, क्योंकि जब भी एयरक्राफ्ट की हद से फोटोग्राफी की जाती है तो वहाँ पे जो हमारा 100% एरिया होता है उसका 40% हमारे नेक्स्ट फोटोग्राफ्स में कवर होता है। मतलब 60% हटा के 40% एरिया दोनों फोटोग्राफ्स में कॉमन लिया जाता है। तो अभी हम इसमें एक कॉमन एरिया ढूंढेंगे। ये फोटोग्राफ्स में हम अगर ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है ये जो पोर्शन गया है ये थोड़ा सा कॉमन हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये भी यहाँ तक गया है और ये भी, बाकी पूरा पोर्शन ये ब्लैक दिख रहा है।
ठीक है, और इसके आसपास ही प्लेन सरफेस दिख रही है, और इधर हमारा जंगल भी हो सकता है और घर भी हो सकते हैं, कोई टाउन कोई सिटी भी हो सकता है। तो ये हम, तो सबसे पहले हमें जो कॉमन एरिया दिख रहा है ये, और साथ में यहाँ भी देख लेते हैं हम नीचे, तो ये पोर्शन अगर हम ध्यान से देख पाएँ तो ये पोर्शन और ये पोर्शन भी कॉमन है, तो हमें इसे ओवरलैप कराना है। तो हम इसे ओवरलैप ऐसे करवाएंगे, हम इसको बहुत ही केयरफुली एक दूसरी फोटोग्राफ्स के ऊपर रख के ओवरलैप कराएंगे ताकि ये जो पोर्शन है वो एकदम इक्वल आ जाए। ये देखिए, अब हम देख सकते हैं यहाँ का ये पोर्शन पूरा सेट हो गया है, और यहाँ से भी ये देखिए ये एरिया पूरा सेट होके निकला है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी फ़ोटोग्राफ्स को ओवरलैप कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो अदर स्टीरियोस्कोप अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम स्टीरियोस्कोप की हेल्प से ही ओवरलैपिंग कराते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्टीरियोस्कोप है बहुत ही छोटा है, इसलिए हम पहले ही ऐसे नॉर्मल ओवरलैपिंग करा लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स होती हैं उनको हम एक इमेजनरी लाइन की हेल्प से चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फोर कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम उसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें जो एक एलुवियल एरिया की ही स्टडी करनी है, तो वो हम देख सकते हैं ये हमें एक दिख रहा है प्लेन एरिया, तो बस हम इसकी स्टडी करेंगे। तो हमें ये बताना है, स्टडी जब हम करेंगे तो हमें सिर्फ ये समझाना है, देखना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो अगर हम इसको फोर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे फोर पार्ट में डिवाइड भी कर लें तो फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, सेकेंड में आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा, फोर्थ में आ रहा है, या जिस हिसाब से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उस हिसाब से फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ पोर्शन में ये प्लेन एरिया नहीं आ रहा है। तो हमको यही पे यही चीज़ हम अपनी फाइल में डिफाइन करके दिखाते हैं। तो अब हम इसको स्टीरियोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हमें क्या दिखेगा, लेकिन हाँ इसकी हेल्प से हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने आपको फोटोग्राफ्स दिखा दी, स्टीरियोस्कोप दिखा दिया, जो कि हमने आज पॉकेट स्टीरियोस्कोप का यूज़ किया है, तो हमने वो दिखा दिया। अभी मैं आपको बता रही थी कि जो फोटोग्राफ्स हैं उनको ओवरलैप कराने के बाद फोर पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। फोर पार्ट में हम इसलिए डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा हमें ईजी पड़ जाता है उसको स्टडी करना। इसलिए अब कैसे होता है, मान लीजिए ये हमारे कोई फोटोग्राफ्स हैं, इसको हमने यहाँ से ओवरलैप करा रखा है, इस ओवरलैपिंग से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो हम ये डॉटेड में देख सकते हैं कि ये हमारी, हमने फोटोग्राफ्स को ओवरलैप कराया। उसके बाद जब हमें स्टडी करनी होती है तो स्टीरियोस्कोप की हेल्प से, तो हम इसको फोर पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। और अभी जब हमने देखा था, तो हमने देखा था इस जो एलिवेटेड एरिया हमें चाहिए वो फर्स्ट पार्ट में था, फर्स्ट इसको ले लिया, सेकेंड इसको ले लिया, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो हमने ये चार पार्ट डिवाइड कर लिए। हमने इसमें देखा तो हमें इसमें भी एलिवेटेड एरिया मिला था, इसमें भी दिखा था, इसमें भी दिखा था, पर इस पार्ट में नहीं था। इस पार्ट में पूरा ब्लैक पोर्शन था, जो हम कह सकते हैं किसी सी का हो सकता है, बहुत उसका कोई बहुत बड़ा सी है उसका एरिया हो सकता है यहाँ पे, तो वो हमें एकदम ब्लैक दिख रहा था, इसलिए यहाँ पे कोई भी प्लेन एरिया हमें नहीं दिख रहा था। तीन पार्ट में दिख रहा था, तो जो हमारा रिजल्ट होगा उसको हम सिर्फ यही डिफाइन करेंगे कि हमने जो एलिवेटेड एरिया हमें चाहिए था वो हमें यहाँ इस पार्ट में दिखा, इस पार्ट में दिखा और इस पार्ट में दिखा, बस यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसी टाइप से हम एरियल फोटोग्राफ्स को स्टडी करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू।